तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स पार्ट 7। अभी तक आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आज आप लोग देखेंगे पार्ट 7। तो अभी तक हमने जो वीडियो में आपने बताया इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में यानी राज व्यवस्था के बारे में, तो आप लोगों ने कंपनी के आगमन से लेके अभी तक 1858 से पहले जो कंपनी का शासन रहा उस कंपनी के शासन तक की चीजों को आप लोगों ने देखा। और आज मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि 1858 का अधिनियम जो भारत देश के अंदर लेके आया गया था, जिसके बारे में यह सोचा था कि यह जो है कि अधिनियम भारत देश में बदलाव करेगा, क्योंकि लोगों के अंदर एक जन चेतना के रूप में उभरा कि अब लोगों को जो है कि कंपनी के शासन से मुक्ति मिल चुकी है और अब भारत देश में ब्रिटेन की महारानी का शासन होगा। लेकिन यह बात जल्दी ही लोगों को पता चल गई कि इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ और 1857 की क्रांति के बाद जो भारतीयों के अंदर धधक रहा था ज्वाला, वह ज्वाला की परिणति के रूप में अगर देखा जाए तो एक के बाद एक विद्रोहों के फलस्वरूप जो है कि ब्रिटेन की सत्ता मजबूत हो गई और वह लेके आती है 1861 का अधिनियम। इस 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। संवैधानिक विकास मतलब संविधान के विभिन्न पहलुओं को एक करने का प्रयत्न किया गया इस 1861 के अधिनियम के द्वारा। और इस 1858 के अधिनियम का पहला पॉइंट था गवर्नर जनरल को, जो अभी तक भारत देश में गवर्नर जनरल था, यानी जो अब गवर्नर जनरल किसके लिए, ब्रिटेन की संसद और महारानी के लिए काम कर रहा है, इस गवर्नर जनरल को प्रांतों का विभाजन करने और यहां पे गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, दोस्तों यह एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इस ऐतिहासिक कदम का परिणाम यह निकला कि अब भारत देश के अंदर पहली बार जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि यह गवर्नर जनरल जो है कि अपनी सुविधा के अनुसार प्रांतों का बंटवारा कर सकता है और वहां पे गवर्नर और जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। इस तरीके से गवर्नर की पावर जो है कि हमारे भारत देश में मजबूत हुई। गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ सप्ताह में एक बार बैठक करता था और वह चाहे तो जो भी विधान परिषद के द्वारा नियम कानून बनाए जाए, यानी उसकी परिषद जो भी नियम कानून बनाए उसके संबंध में उसको वीटो पावर दी गई थी। एक बड़ी पावर होती है वीटो पावर, यानी गवर्नर जनरल की परिषद कोई नियम कानून बना रही है और गवर्नर जनरल को यह बात अच्छी नहीं लगी तो वह उसको चाहे तो मानने से इनकार कर सकता था। और विशेष मामलों में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और यही अगर गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्यों की संख्या 7 थी, गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्यों की संख्या 4 थी उसको बढ़ा के अब यहां पे 5 कर दिया गया और जो पांचवा सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया वह एक विधि सदस्य होता था। गवर्नर जनरल की परिषद में जो एक और सदस्य शामिल किया गया
वह एक विधि सदस्य होता था और केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक, जो हमारी केंद्र सरकार थी। यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों से इतनी सी बात की कि 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया, और दूसरा गवर्नर जनरल को प्रांतों का विभाजन करने और यहाँ पे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार मिला, और गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ सप्ताह में एक बार बैठक करता था, और वह अपनी परिषद के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को चाहे तो मानने से इनकार कर सकता था। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली थी वह मिली थी गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी इसको 4 से बढ़ा के 5 कर दिया गया। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे है कि जो आपकी केंद्रीय सरकार थी, केंद्रीय सरकार, इसको कुछ मामलों में प्रांतीय परिषद से ज्यादा अधिकार दिया गया। जैसे आपका सार्वजनिक ऋण धर्म तार डाक। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे जो है कि सब्जेक्ट का बंटवारा तो किया गया, लेकिन कुछ के ऐसे मामले थे जिन मामलों को नियम कानून बनाने का अधिकार दोनों को था, लेकिन जो केंद्रीय सरकार थे सार्वजनिक ऋण धर्म तार डाक इन सारे मामलों में प्रांतीय सरकार से, जो हमारी प्रांतीय सरकार थी, इस प्रांतीय सरकार से ज्यादा पावर मिली, यानी पावर किसको ज्यादा मिली थी, केंद्रीय सरकार को। लॉर्ड कैनिंग विभागीय, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इस समय हमारे यहां लॉर्ड कैनिंग आए के शासन काल में, किसके काल में, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी जो अभी तक गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इस गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा अपने सदस्यों की संख्या को जब बढ़ाया गया तो इसने क्या किया कि अपने जो है कि साथ के लोगों को इसने कुछ अधिकार प्रदान कर दिया, अपने साथ के लोगों को इसने जो है कि कुछ अधिकार प्रदान कर दिया। वही बताया कि लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में विभागीय प्रणाली, जैसे आज आप देखते हैं रक्षा सुरक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य विभिन्न तरह के जो विभाग होते हैं, इस समय तक जो है 1861 तक ये सारी चीजों को सामूहिक रूप से गवर्नर जनरल देखता था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग को जब भारत में कानून के विस्तार का मौका दिया गया तो इसने लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कराया। इस प्रकार भारत में हमारे, इस प्रकार अगर बात की जाए तो हमारे भारत में जो मंत्रिमंडल, संसदीय मंत्रिमंडल की नींव पड़ी किसके द्वारा, विभागीय प्रणाली के द्वारा। संसदीय मंत्रिमंडल की नींव के नाम से हम जानते हैं इस विभागीय प्रणाली को कि संसदीय मंत्रिमंडल का नींव पड़ा। गवर्नर जनरल की परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 6 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 होती थी। गवर्नर जनरल की परिषद में, किसकी परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद में कहा गया न्यूनतम सदस्यों की संख्या 6 और अधिकतम सदस्यों की संख्या को 12 रखा गया। अब इसी के, ये जो अधिनियम लेके आया गया था, इस अधिनियम के द्वारा भी हमारे भारत देश में काफी सुधार करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन यहाँ पे जो है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाया। रीजन कि आने वाले समय में जो 1857 की क्रांति थी, इससे हमारे भारत देश के अंदर लोगों को एक नई चेतना जागृत हो चुकी थी, भारतीयों के अंदर जो एक नई चेतना जागृत हो चुकी थी, तो भारतीय इन अधिनियम के आने के बावजूद भी उनके मन में सरकार के विरुद्ध एक असंतोष भरा रहा, और इस असंतोष में इसी समय हमारे भारत देश में 1885 में, ठीक है, इसी समय कुछ दिनों के बाद हमारे भारत देश में जो है कि 1885 में A.O. हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत
बड़े पैमाने पे बदलाव का सूत्रपात किया हमारे भारत देश में। तो दोस्तों ये था हमारा 1861 का अधिनियम, जिसमें हम लोगों ने भारत के विकास के बारे में देखा, यानी कुछ पॉइंट इसमें जो महत्वपूर्ण थे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया, गवर्नर जनरल को वीटो पावर की गई और अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और इसके बाद आप लोगों ने देखा यहाँ जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसमें जो है कि पांचवें सदस्य के रूप में विधि आयोग विधि सदस्य को नियुक्त किया गया और यह एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जाना जाने लगा। एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट था कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ कम से कम सप्ताह में एक बैठक करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे गवर्नर जनरल उन लोगों की बातों को सुन सके और अपना डिसीजन दे सके। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा 1861 का अधिनियम, और इस अधिनियम में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना कि किस तरीके से गवर्नर जनरल को पावर मिली, उसने जो है छोटे छोटे प्रांतों में बांटा, प्रांतों में अपना अपने तरीके से गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर आदि लोगों की नियुक्ति की। ये अधिनियम हमारे भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा, और इन सारी चीजों को आप देखते हैं तो यहाँ विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, इन सारी चीजों का काफी विस्तार हुआ, और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हम इसे संवैधानिक विकास का सूत्रपात मानते हैं। अब दोस्तों अगला मेरा जो वीडियो आने वाला है इंडियन पॉलिटी पार्ट 7 के बाद 8, और इसमें हम लोग देखेंगे 1892 का अधिनियम कि 1892 के अधिनियम 1892 आते आते हमारे भारत देश में और ज्यादा परिवर्तन होगा। कांग्रेस के विचारशील जो विचार थे जनता के बीच में जाएंगे, अभी जो है कि हमारे भारत देश में प्रेस आ जाएगा, हमारे भारत देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, और जो है कि हमारे यहाँ लोग विदेशों में जाएंगे और जब घूम के आएंगे तो उनके अंदर एक नई चेतना का विकास होगा और हमारे भारत देश की पृष्ठभूमि में आए हुए परिवर्तनों के बारे में हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे अपने अगले पार्ट, जिसका नाम होगा इंडियन पॉलिटी पार्ट 7। तो दोस्तों आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।